आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय भानु सर, वो पहले इधर डीएम थे, अभी राहत आयुक्त के पद पर काम कर रहे हैं। आदरणीय केशव जी मेरे साथी थे जौनपुर में। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ ब्यूरो हेड्स, अमर उजाला, और इस कार्यक्रम में उपस्थित आगरा और अगल आसपास के जनपद के एस्पिरेंट्स, मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम, क्योंकि मेरा पहला ये पब्लिक फंक्शन है, मेरा नाम अरविंद बंगारी है, 2011 बैच का हूँ, एंड इससे पहले मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी था, उसके एमडी पश्चिमांचल के तौर पर भी काम किया हूँ। जहाँ जहाँ बानसर जाते उधर मेरा फ्यूचर ट्रांसफ़र होता है। वो जौनपुर में थे, इसके बाद मैं जौनपुर में गया, अब आगरा थे, आगरा के बाद मैं इनके बाद आया। तो ऐसा अब आप सभी एस्पिरेंट्स हैं, मैं अपना एग्ज़ाम्स का भी बारे में बता दूँ। मैं 2010 बैच का एग्ज़ाम पास किया था। 2010 बैच उस समय सिविल सर्विस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम एक थी, उसके अलग से एक एग्ज़ाम थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो मैंने दोनों लिखा था, दोनों में मेरी सिलेक्शन हुआ था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में शायद 45th रैंक था, सिविल सर्विस में 83rd रैंक था। और इसके बाद स्टेट जो PCS एग्ज़ाम है, जिसे इधर स्टेट का है, उधर कर्नाटक में कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उधर भी मैंने दिया था। तो मेरा मेंस में मेंस कट में टॉपर था, अभी इंटरव्यू नहीं जा पाया, इंटरव्यू नहीं गया बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास दो जॉब्स मिल चुके थे, तो मैं गया नहीं। तो इट्स अ प्रिविलेज है आप सबके सामने बात करने का मौका मिला है। एंड अगर एग्ज़ाम की बात करें, अगर सीधा पॉइंट पे आ जाए एग्ज़ाम पे, इस एग्ज़ाम के लिए तो एक बेसिक का ग्रेजुएशन एक नेसेसरी चीज़ है, बाकी आप सब एलिजिबिलिटी जानते ही है। मैं आपको इतना एक कहना चाहूँगा कि आपकी पास्ट क्या है वो मैटर नहीं करता है ये इस एग्ज़ाम के लिए। आपकी पास्ट मतलब आपकी ग्रेजुएशन में क्या किया आपने, ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता मतलब ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है उस समय आपने सीरियसली स्टडीज़ को नहीं लिया हो, आप ले रहे हो सकता है पहले आपने सीरियसली स्टडीज़ को लिया था, और आप सोच रहे कि मैं पहले से टॉपर हूँ, अब इसमें भी टॉप करूँगा, वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होती है। तो कृपया इसको ध्यान से सुन लीजिए, आपका पास्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि ऑलरेडी वो फेज निकल चुका है। जो आज के टाइम पे एग्ज़ाम पे रिक्वायरमेंट है, बेसिक अगर सिंपल एग्ज़ाम की बात करें तो सिलेबस क्या है जानकारी होना चाहिए, आज के टाइम पे क्या सिलेबस है। क्योंकि मैं 10 साल लगभग 14 साल पहले मैंने एग्ज़ाम लिखा था, तो सिलेबस क्लैरिटी होना चाहिए क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, सिलेबस के बाद कौन कौन सी स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आजकल स्टडी मटेरियल बेसिक है, NCERT मस्ट है, स्टेट का सिलेबस के हिसाब से आपको PCS के बारे में आपको जानकारी होगा, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है PCS एग्ज़ाम का, मगर NCERT तो बेसिक फाउंडेशन है। उसके बाद स्टडी मटेरियल कोचिंग का भी मिल जाता है, अलग अलग बुक्स टेक्स्ट बुक्स है वो लेना है। तीसरा, आपको 10 साल का क्वेश्चन पेपर तो लेना देखना ही देखना है, आपको क्लैरिटी आएगी क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, क्या एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है और मेरी स्टैंडर्ड क्या है। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या पूछते हैं, क्या नहीं पूछते, कैसे पूछते हैं, मेरी लेवल क्या है, मेरे को कहाँ जाना है, ये तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो इस पर सीरियसली करना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम तो सिलेबस वास्ट है, इसी के लिए आपको डिसिप्लिन भी रहना पड़ता है, क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड सबके लिए एक ही है, ऐसा नहीं किसी को 8 महीना है, किसी को 1 साल है, किसी को 2 साल, ऐसा नहीं है। एक फिक्स टाइम स्केड्यूल एग्ज़ाम का, उसी के अंदर सबको तैयारी करनी पड़ती है एग्ज़ाम के लिए, तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, कंपटीशन टफ है। एक साल का एक डाटा जब देखा जा रहा था, आई थिंक रिसेंटली का, करीब 10.3 मिलियन पीपल अपीयर हुए थे, 10.3 मिलियन पीपल
1.03 मिलियन पीपल। और पोस्ट कितने थे, 1255, 1255 पोस्ट के लिए लगभग 10 लाख के ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया था। मतलब आप कंपटीशन का स्केल जान रहे हो, पूरा पूरा देश के लिए आप एक ही एग्ज़ाम है, चाहे आप उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, पूर्व हो, पश्चिम हो। तो इसीलिए एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है हाई है, एंड इसलिए उस टाइम पीरियड के लिए आपको सिलेबस के अनुसार कितना आपको पढ़ना चाहिए, कितना आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। उसके बाद इसके लिए रणनीति बनाने के बाद आपको फिक्स शेड्यूल के लिए आपको डेडिकेट करना ही पड़ेगा, तो आपके लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं चलो आज यार कुछ समय के लिए आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। मेरी फादर जो थे, वी आर ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले, ऐसा नहीं कि हम बड़े, वी आर ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एंड मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए थे। वो हर बार एक सलाह देते थे मेरे को, जब भी हम तैयारी करने जाते थे। मेरे लिए उस समय 4 अटेम्प्ट था, तो बोलते थे 4 साल आपके पास हैं, 4 साल आप मेहनत से कर लो, जितना भी कर लो, आपको पूरा 40 साल आगे आपको एक स्टेबिलिटी रहेगी। तो इसलिए ये जो आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप जो भी डेडिकेट करेंगे, सिंसियरली डेडिकेट कीजिए, वरना एग्ज़ाम को अटेंड मत कीजिए। इसलिए कि आपका जो प्राइम यंग एज है, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 27 जो प्राइम यंग एज है, आप सीरियसली नहीं करेंगे और इसके बाद आप फिर सोसाइटी में आएंगे तो आपसे आपको दिक्कत होगी। उस समय इनिशियली एडजस्ट होने में दिक्कत होगी, फिर लाइफ चलती है, ऐसा नहीं है, मगर दिक्कत होगी। और आपका यंग एज जो होती है आपको करियर बिल्ड करने का, आप उस समय सीरियस नहीं हो तो ज़िंदगी में आगे में थोड़ा आपको दिक्कत होगी। इसलिए अगर अटेम्प्ट करना है तो सीरियसली करना ज़रूरी है, वरना आप दूसरे आपकी जहाँ इंटरेस्ट है उधर जाना ज़रूरी है। एंड इसके अतिरिक्त सिलेबस हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, सब डिसिप्लिन हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो बेसिकली एक एग्ज़ाम भी क्लियर करना तो एक आर्ट है, एक स्ट्रैटेजी है। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी मैं एग्ज़ाम के लिए रखता था कि जहाँ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो उस पर ज़्यादा फोकस करें, एंड कुछ जगह पे आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो या तो सिलेबस ने आपने पढ़ा नहीं है, तो उस पर ऊपर ज़्यादा फोकस, जो मार्क्स उधर से जा सकती है आप दूसरी जगह से कवर करने की कोशिश करना चाहिए, ये इतना रखना चाहिए। एंड आई थिंक कोई भी चीज़ आप शिद्दत से करेंगे, डिसिप्लिन में करेंगे, कुछ और एक रणनीति से करेंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी चीज़ आइसोलेट में जाना नहीं चाहिए। आइसोलेशन मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन और बच्चे होते हैं तो वो आइसोलेट होके तैयारी करते हैं। कभी कभी अपने आप को टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कैसा हूँ, कितनी मेरी तैयारी है। तो इसलिए जो अच्छे बच्चे जो आपकी लगता कि अच्छा पढ़ रहा है तो उनके साथ डिस्कशन भी करना ज़रूरी है, ताकि पता तो चले मैं कहाँ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा रास्ता भटक गया हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ स्टडीज़ में। तो इसलिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह अप्रोच करना चाहिए, आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है। तो एग्ज़ाम की तरह अप्रोच करेंगे, सिलेबस का बारे में आप जानकारी रखेंगे, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा, और इसके बाद जो एग्ज़ाम और प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट वाटर, तो मैं समझता हूँ कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और सिविल सर्विस एक बड़ी एग्ज़ाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है वर्ल्ड का भी एंड इंडिया का भी। तो अगर इसको आप तैयारी करेंगे तो जो बाकी जो एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, आपको हल्की भी लगती है, थोड़ा आसानी भी लगती है। आई थिंक इट्स अ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सबको पहले सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल एक 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 पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपकी एक टाइम पीरियड में हमको ख़त्म करना है, स्टडी करना है, इसके लिए आपको एक टाइम टेबल, डे का टाइम टेबल, आपका मंथली टाइम टेबल, एक साल का टाइम टेबल होना चाहिए। उसके बाद देन आपका स्टडी, प्रैक्टिस, ये 4-5 आप इस पर फोकस कर लेंगे। प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कितना आपने पढ़ा है, कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस करने से पता चलता है, चाहे मॉक क्वेश्चन पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, उस वो देने से। आई थिंक कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं, सब लोग कॉम्पिटेंट है। आपने, मैं फिर से करता हूँ, आपने पास्ट में क्या किया ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इस समय आप कितना आप अपना शिद्दत से पढ़ेंगे, एक रणनीति से पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे एग्ज़ाम को, वो मैटर करता है। तो इसलिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं अमर उजाला फाउंडेशन को, बानो सर को, क्योंकि बानो सर का कार्यक्रम था ये, बेसिकली उनका है, बानो सर केशव जी का, विद अलॉन्ग विद अमर उजाला। तो आज जितने भी आज बच्चे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इम्पोर्टेंट सेशन है, आई थिंक ये होना चाहिए, जब हम तैयारी कर रहे थे ऐसा कोई सेशन नहीं रहता था।
तो आई थिंक इट्स अ गुड फोरम, क्योंकि आपको जितना भी अचीवमेंट किया आप उनसे बात करेंगे तो सीधा बात करेंगे तो उनको आपका एक कैसे तैयारी होती है पता चलता है। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, एंड मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कुछ लोग इधर के जो आज बैठे हैं कुछ लोग इस तरफ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।